सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक, इसके अंतर्गत इकाई तीन में स्थानीय सरकार और प्रशासन, इसके अंतर्गत अध्याय पांच पंचायती राज, इस पाठ का अभी हम लोग अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों को कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो इकट्ठा बैठ के कुछ चर्चा कर रहे हैं। हमें लगता है बच्चों कि एक गांव की पंचायत है जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होके किसी मसले या किसी विषय या किसी मुद्दे पर वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। कुछ उनके अंदर थोड़ी सी बहस भी चल रही है, हाँ या ना भी चल रही है, और सारे जन मिलके किसी विषय के ऊपर उसका हल निकाल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमें कि और हमें इसके बारे में क्या जानकारी लेना है। तो आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों जा रहे हैं वो? हम लोगों ने जब ये चित्र देखा तभी तो हम लोग बोल रहे थे कि भाई ये लोग क्यों जा रहे हैं, इकट्ठा बैठे हैं ये हम लोगों ने देखा, कुछ बातचीत चल रही है ये भी हम लोगों ने देखा, और उस बातचीत के दौरान उनके कुछ सलाह मशवरा या तो फिर विचार विनिमय कुछ तो चल रहा है। क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है और हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या क्या नई नई योजनाएं बनाई है जो उनके हित में है, उनके अच्छे लिख के लिए जो योजना बनाई गई है वो क्या क्या है, वो सुनने के लिए वो बेताब है, उत्सुक हो गए। अभी देखते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्चा का ब्यौरा दिया और यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है और इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। सबसे पहले ग्राम सभा में विषय कौन सा था? सड़क की मरम्मत, क्योंकि सड़क से जो हम लोग आते जाते हैं वो ही अच्छी नहीं है तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यानी वाहतूक कैसे करेंगे, तो उसके मसले पर उन्होंने पूरा खर्च निकाला कि कितना अच्छा रास्ता बनाने के लिए कितनी सीमेंट लगेगा, रेती लगेगी, मिट्टी लगेगी, और फिर उसको सीधा करने के लिए और क्या क्या मशीनरी चाहिए, डंपर चाहिए, क्या क्या चाहिए उसके लिए, ड्राइवर चलाने के लिए चाहिए, ये सब कुछ चर्चा हो रही थी। और उसके बाद पानी की समस्या के ऊपर चर्चा हो रही थी। अभी गांव में रहने वाली लीतीजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की बहुत समस्या बढ़ गई है और हैंडपंप का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है, मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा पानी आता है और औरतों को 3 किलोमीटर दूर से सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। यह है एक औरत की समस्या का, मतलब एक प्रस्ताव उसने रखा है कि हमारे लिए पानी की समस्या बहुत ही बड़ी है। और किस तरह से है, क्योंकि जो हैंड पंप है जो हम लोग ऐसे ऐसे पानी पंप में मार मार के पानी निकालते हैं तो उसका भी पानी जमीन के अंदर बहुत ही चला गया, तो इसके लिए वो पानी आता ही नहीं, तो वो हमें करके चाहिए। आगे देखते हैं। एक सदस्य ने उसके ऊपर सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं और उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी, मतलब उसकी जो भी कमी घटी है वो पूरी हो जाएगी। अभी लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत ही महंगा पड़ सकता है, क्योंकि वहां से पाइप लाना, उसके बाद उसको एक जगह पे भर लेना टंकी में, उसके बाद सबको देना, ये बहुत ही जो सुझाव दिया गया है ये बहुत महंगा है। तो उन्होंने क्या बोला कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। उनका क्या कहना है, नदी का पानी लाने से अच्छा यहाँ पे जो हैंडपंप है उनको ही पूरे और भी नीचे उनका स्रोत जाना चाहिए ताकि वो ऊपर पानी चलाएगा,
और दूसरा है कि कुआं साफ करके, सभी कुएं साफ करके उसमें पानी बारिश का भर जाएगा। अभी तीजिया ने कहा कि इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अभी उसके ये कहना था कि हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है, जितना पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं। अभी हम लोग तो आमतौर पर देखते हैं कि हमें पानी का कितना उपयोग करना चाहिए, हम लोग कितना उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग हम लोग बहुत ही ज्यादा करते हैं। तो इसके लिए पानी की समस्या दूर करना ये बहुत ही जरूरी है। अभी ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। क्या तरीके देखे हैं? तो वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। कौन? अनवर। और वह उस गांव में अपने भाई से मिलने के लिए गया था तो उसने जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटर शेड जिसको कहते हैं वो सुना और देखा। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसने बोला कि मतलब देखा था कि सरकार ने भी इस काम के लिए पैसा भी दिया था, और उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे और वो नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टाकिया बनाई थी, टंकिया बनाई थी। और सबको अनवर का यह विचार बहुत ही अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा कि ये जो सुझाव है अनवर का ये बहुत ही सही है, हम लोग इसी को ही फॉलो करेंगे, इसको ही अपनाएंगे। अभी आगे ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए लोगों के बीच खुसुर फुसुर होना चालू हो गया। अभी नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। अभी दूसरी बात, सरोज ने सुखीबाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है और इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है तो उसके पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चलाता है, पर इसका नाम इस सूची में है ही नहीं। सुखी भाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अभी अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं, सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसुर फुसुर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे। ये सब कुछ देखने और ये संवाद देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि विद्यार्थी मित्र, ये सब कुछ हमें क्या दिखाई देता है इसमें, कि एक का भी जो विचार रहता है वो दूसरे से अलग रहता है, दूसरे का तीसरे से अलग रहता है। इसके लिए इसकी सभा लेनी पड़ती है, इकट्ठा सबको बुला के इनके विचार क्या क्या है उनको सबको इकट्ठा सुन के फिर एक अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो अभी आगे देखते हैं क्या हुआ इधर। अभी सूरजमल चुपचाप बैठा रहा, अमीरचंद जो था वो ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुआ था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए, और दूसरों लोग जो थे उन्होंने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत ही गरीब है। तो सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था।
अभी जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया था, पर घर पर वहां ताला लगा हुआ था। वहां शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी, अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ऐसा सरपंच जी ने कहा, मतलब इसका हल निकला। अभी आगे हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत आप लोगों को ग्राम सभा के बारे में लिखिए, ये प्रश्न आपका है और जिसको आपका आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।